मूलक, जिसको अंग्रेजी में रेडिकल भी कहते हैं। यह परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिसकी एक संयोजकता होती है और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखते हुए अपरिवर्तित रह जाता है, मूलक कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक यौगिक लिया जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें इसका सूत्र होता है NaOH, इसमें सोडियम आयन यानी कि Na+ और हाइड्रोक्साइड आयन OH- मूलक है। उसी प्रकार से अमोनियम क्लोराइड NH4Cl में अमोनियम आयन NH4+ और क्लोराइड आयन Cl- मूलक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूलक दो प्रकार का होता है, धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक, यानी पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव रेडिकल एंड नेगेटिव रेडिकल। जो पॉजिटिव रेडिकल होता है वो धातु आयन होता है और वो कंपाउंड में सबसे पहले लिखा जाता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड में, ठीक है। अमोनियम आयन NH4+ धनात्मक मूलक है। उसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन आयन H+ धनात्मक मूलक है। ऋणात्मक मूलक जो होता है उस पर ऋण आवेश रहता है और वो धनात्मक मूलक के दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड में NH4Cl में NH4+ तो धनात्मक मूलक हो गया, जबकि Cl- ऋणात्मक मूलक हो गया, Cl- यानी कि क्लोराइड आयन। उसी तरह से बहुत सारे ऋणात्मक मूलक होते हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन आदि। अब कुछ हम लोग ऋणात्मक मूलक और उसकी संयोजकता के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो जिसकी संयोजकता एक होती है यानी एक बंधक होता है, वैसे ऋणात्मक मूलक का बारे में हम कहने जा रहे हैं। पहला हो गया हाइड्रोक्साइड आयन, दूसरा हो गया फ्लोराइड आयन, तीसरा हो गया क्लोराइड आयन, चौथा हो गया ब्रोमाइड आयन, पांचवा हो गया नाइट्रेट आयन, छठा हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन और उसके बाद हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ये सब जितने हमने बोले इस सब का संयोजकता एक होता है यानी कि एक बंधक होता है। और कुछ ऋणात्मक मूलक ऐसे भी हैं जिनकी संयोजकता दो होती है, जैसे सल्फेट SO42-, जिसकी संयोजकता दो होती है, सल्फाइड SO32-, कार्बोनेट CO32-, ये सब द्विबंधक कहलाते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसा भी ऋणात्मक मूलक है जिसकी संयोजकता तीन होती है, जैसे फॉस्फेट PO4-, यह त्रिबंधक होता है। धनात्मक मूलक जो होता है वो नेचर में बेसिक होता है, जैसे अमोनियम आयन NH4+ वो बेसिक होता है, और जो ऋणात्मक मूलक होता है वो एसिडिक होता है, समझे। तो इस तरह से किसी भी यौगिक में दोनों मूलक होते हैं, धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक। थैंक यू। जैसे और बहुत सारा हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट में जो सोडियम होता है धनात्मक, सोडियम आयन जो होता है धनात्मक मूलक होता है, सल्फेट आयन जो होता है वो ऋणात्मक मूलक होता है। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में सोडियम आयन जो हो गया
वो धनात्मक मूलक, और जो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया वो ऋणात्मक मूलक, और जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसकी संयोजकता एक होती है, एक होता है। उसी तरह से सोडियम नाइट्रेट में सोडियम आयन जो हो गया उसकी संयोजकता एक होती है और नाइट्रेट आयन की संयोजकता भी एक ही होती है, इसलिए सोडियम नाइट्रेट का सूत्र NaNO3 होता है। सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड में सोडियम की संयोजकता एक होती है, ठीक है, जबकि सल्फाइड की संयोजकता दो होती है, इसलिए इसका सूत्र क्या हुआ Na2SO3। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम आयन की संयोजकता दो होती है, कार्बोनेट आयन की संयोजकता भी दो होती है, इसलिए इसका सूत्र क्या होता है Ca2CO3 2। अगर दोनों को दो दो को कटा दिया जाए तो इसका सूत्र हो जाएगा CaCO3। इस तरह से सोडियम फॉस्फेट में सोडियम की संयोजकता तीन होती है जबकि फॉस्फेट आयन की संयोजकता एक होती है, सॉरी सोडियम फॉस्फेट में सोडियम की संयोजकता एक होती है और फॉस्फेट आयन की संयोजकता तीन होती है, तो इसका सूत्र क्या हो गया Na3PO4। थैंक यू।